हम लोग यात्रा के लिए निकल रहे हैं तुंगनाथ की। जय बाबा तुंग। ये तुंगनाथ मंदिर का गेट है जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। और जय बाबा की तुंगनाथ मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है तुंगनाथ महादेव की यात्रा। आइए भी रास्ते रास्ते हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, कैसे क्या सीन है क्या नहीं है। तब तक के हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन वादियों में पूरा जंगल, फुल लॉन जंगलों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता जो कि तुंगनाथ महादेव को जाता है। बहुत ही सीधा इंक्लाइन रास्ता, 60 डिग्री के हिसाब से चलता है, पैर बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। और जंगलों की इन वादियों में बहुत मज़ा आ रहा है, अमेजिंग। जो भी है, न्यू एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक मोड़ पे एक नई सीन का एहसास होता है कि अभी ये दिखेगा, अभी वो आएगा, फिर नया क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सब हर हर महादेव। मंगल में हो, आगे मारती है चढ़ाई क्षेत्र में, धीरे चले, सांस नहीं फूलेगी, प्रति को स्वच्छ रखने का सहयोग करें। भाई कहाँ है हम लोग? गजब। अबे ऑसम, दुनिया नीचे हम लोग ऊपर। अबे चढ़ाई कितनी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक चढ़ाई तुंगनाथ की। अभी ढंग से 100 मीटर भी नहीं चला, 10 कदम ना चले होंगे हम लोग। 100 मीटर बहुत बता दिया। हे भगवान, मतलब भूल जाते चलोगे, दुनिया नीचे है, हम लोग उससे भी ऊपर। बोला करेंगे हर हर महादेव। घोड़ा पता नहीं कहाँ कैसे ले जा रहे हैं। एक तरफ का 900 रुपये, अरे वाह, 84 कितना भाई। हम लोग 100 मीटर ही आए होंगे और हालत पूरी सेट हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग टफ है यहाँ की। देखते हैं क्या होता है, बाकी चलते हैं, बाकी नज़ारा देखिए। स्वर्ग सामने का ग्लेशियर कितना ऑसम हो रखा है। आइए बने रहिए हमारे चैनल में। अब ये मत करना, 100 मीटर ही आने के बाद पवन भाई की हिम्मत नहीं हो रही आगे चलने की। घोड़े की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहें तो जा सकते हैं। एक तरफ का फेयर 900 रुपये। इतनी तरफ इतनी खड़ी चढ़ाई है ना, घोड़े से अच्छा तो यार पैदल चले जाओ, मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा घोड़े से। लेकिन आप अगर अपनी सिटी दूर छोड़ के इतनी दूर आते हैं और आप घोड़े पे बैठ के अगर दर्शन करने जाएंगे तो फिर इस एडवेंचर, इस चीज़ों का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप पैदल जाएं, रुक रुक कर जाएं, 4 घंटे का ट्रैक 6 घंटे में पूरा करें, लेकिन एंजॉय करते चलें। तेरी बनाई दुनिया में कोई तू। तभी हम कहाँ हैं, दुनिया में सबसे ऊपर, दुनिया पूरी नीचे। तो 600-700 मीटर ऊपर आने के बाद हम लोगों के दोनों दोस्त जो थे वो मिल चुके हैं। देखिए दोस्तों, और 500 मीटर हम लोग ऊपर आए हैं। जस्ट वहां से जब हम लोग चढ़ना शुरू किए हैं, वहां हमें दो दिल्ली के भाई मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आने से पहले हम लोग की हिम्मत नहीं थी कि हम लोग केदारनाथ जाएं, इसलिए पहले ये चढ़ाई चढ़ने के बाद जाएंगे। उन्होंने कहा आप लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं, बहुत ज्यादा हिम्मती हैं कि आप लोग वहां से चढ़ने के बाद जस्ट नेक्स्ट डे आप लोग यहाँ आके चढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो भाई ये देखिए अर्शिद भाई,
हाय, जो कि ये कल सिविलियन मिले थे जो जा रहे थे ऊपर घास काटने, उनके हाथ में हसिया थी। मैंने उनसे पूछा कि घास ऊपर है, उन्होंने कहा हाँ मिलती है। उन्होंने एक और जानकारी दी कि जंगली जानवर भी हैं इस रास्ते, सीरियस मोड में जी। और वैसा कुछ हमें तो लग नहीं रहा है कि यहाँ पे जंगली जानवर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भालू है, जंगली शेर वगैरह सब है, लेकिन वो इस रास्ते यहाँ आते नहीं क्योंकि नीचे का रास्ता है। बाई चांस कभी आते हैं तो भाग जाते हैं। अगर हम लोग की किस्मत नहीं अच्छी हुई तो वो आ भी सकते हैं, इन केस अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन हम लोग तुंगनाथ महादेव के लिए जा रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, कुछ नहीं, कभी कभी कोई घटना हुई नहीं यहाँ पे। हर हम लोग थोड़ी दूर चले हैं और ये कपूर का सहारा लेना पड़ा है, क्या करें, ट्रैकिंग तो हम लोगों को ट्रैक करनी ही करनी है हर हाल में। नरेंद्र भाई कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा आपको एहसास हो रहा है? अभी तो जस्ट चढ़ाई शुरू की है, रूम हमें ऐसा हुआ था। तो गाइस भाई लोग मिले थे, एक बात उन्होंने सही रिकमेंड किया है कि अगर आपको तुंगनाथ आना हो और केदारनाथ की भी यात्रा करनी हो तो पहले आप तुंगनाथ की दर्शन कर लें, फिर केदारनाथ जाएं, क्योंकि पंच केदार हैं पहले आके, क्योंकि इस ट्रैक को क्लियर करने के बाद आपको बहुत सी ऐसी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। किलोमीटर ट्रैक आने के बाद हमको बहुत प्यारा नज़ारा देखने को मिला। ये कश्मीर वैली जैसा यहाँ पे कुछ, लेकिन कहते ना चोपटा एक मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है, तो सच में ये है। तो हम लोग एक किलोमीटर ट्रैक आ चुके हैं और ऊपर आने के बाद हर कह तो रहे हर एक मीटर पे नया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए मिनी स्विट्जरलैंड कश्मीर वैली भी। छोटा सा प्लेट ले लो। काफी नीचे से आने के बाद बहुत ऊंचाई पे आ गए और उसके बाद भी अभी बहुत ऊपर जाना है। देखिए पीछे का नज़ारा, दुनिया दुनिया पूरी नीचे हो गई है, हम लोग सबसे ऊपर टॉप पर मिनी स्विट्जरलैंड। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग हार्डली 800 मीटर ऊपर आए होंगे, सबकी सांस इतनी फूल रही है लग रहा है क्योंकि हम लोग पहाड़ी तल से 8432 मीटर ऊपर हैं और यहाँ पे जो हवा का प्रेशर है कुछ ज़्यादा ही है, ऑक्सीजन बिल्कुल ही लो है, लेकिन फिर भी किसी तरह कपूर के भरोसे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। आप खाली नज़ारा देखिए, तो पूरी सीरीज देखिए माउंटेन की। ये जो बाबा की चढ़ाई है तुंगनाथ बाबा की, ये बोल रहे हैं कि नीचे जमीन से हम लोग अभी हार्डली 800 मीटर ही ऊपर आए होंगे। और भाई आप लोग ऐसा जाइए कराइए दर्शन, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं लोगों को दिखाते दिखाते मैं एक दिन खुद दिख जाऊंगा, लेकिन सब्सक्राइबर अभी वो वहाँ वहाँ उसका पीछे और पहाड़ वहाँ तक जाना है। लो ना तुम, हम आए हैं ट्रैकों के रास्ते और ये लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे थे। शॉर्टकट के चक्कर में पवन वहीं तक अटक गए और नरेंद्र वो फंसे हुए हैं और विशाल ऊपर पहुंच गए। नरेंद्र देखिए क्या है, तो ये सब मानने वाले नहीं हैं, इनको मैंने बहुत समझाया कि शॉर्टकट मत लें, बट आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कभी भी आप चौपटा आइए तो शॉर्टकट का रास्ता नहीं लीजिए, ये रास्ता बनाया गया हुआ है, इसी रास्ते से आएँ, थोड़ा सा दूर रहेगा लेकिन उससे काफ़ी इजी रहेगा। हर हर महादेव भाई, वो जो घर दिख रहे हैं छोटे छोटे, वहाँ से हम लोग इतनी ऊपर आ गए हैं, अभी इसका 2-3 गुना ऊपर जाना है रास्ता, देखते रहिए। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये शॉर्टकट के रास्ते ऊपर आ रहे थे, इनका शॉर्टकट लेने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैं ऑन द ट्रैक आया हूँ, तो भी बस 2 सेकंड 10 मिनट 10 कदम का फासला होगा जो ये सिर्फ पहले पहुँचे हैं। और इससे एक अन एडवांटेज क्या हुआ कि इनके साथ एक पौन आ रहा था, वो आधी रास्ते से वापस चला गया, आखिर उनको ये रास्ता दोबारा से ट्रैक करना पड़ेगा। ये गलती आप ना करें, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप तुंगनाथ महादेव के आ रहे हैं तो ये ऑन ट्रैक पे आएँ,
ये शॉर्टकट लेने के चक्कर में मत पड़े, गलती से पैर स्लाइड हो गया तो आप सीधा जहाँ से आए वहीं से या तो स्वर्ग पहुँचेंगे या तो फिर जाता चोट खाते हुए नीचे से आए फिर वहीं से आपको आना पड़ेगा अगेन। चूंकि अंशुई इधर लो, ये हिमालय की अंशुई पहाड़ियाँ हैं, यहाँ आपको रेयर किस्म के फूल मिलेंगे। देखिए ये है मंदाकिनी फ्लावर, कैंसर के जो रेयर डिसीजेज होती है ना इनका, इससे उनका इलाज होता है। ये इसमें केसर भी लगा हुआ है, सब हाइब्रिड है। तो ये है आम जिंदगी, वो वाली दिखाओ, वो आम जिंदगी। ये है मेंटोस, गलत कर दियो एक दो हमारे दोस्त सारे अब आए। तो बात एक लगी है, जो यहाँ पे इतनी ऊपर आने के बाद हमको प्रॉपर नेटवर्क मिल रहा है, बस सही और क्या। बहुत ऊंचाई, महादेव कहाँ जाके बैठे हो, चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। पर यार नज़ारा बहुत आसम, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, नेचुरली जो फील है सिर्फ हम ले सकते हैं। आप आकर के यहाँ फील नज़ारा लें। ज़्यादा खड़ी जाएगी और सांस फूलने लगती है। वैसी जगह पे आए जहाँ पर प्रेमी अपनी प्रेमिका का नाम लेगा तो नाम रिटर्न में उस वादियों से आएगा। तो पवन भाई स्टार्ट। मैं देखता हूँ इस पॉइंट की हकीकत क्या है। पूजा सोनी अर्चिता नेहा अबे ये क्या दादा ज़ारा खलापी बोलती दिखाते हैं बहुत ही प्यारा सा ग्लेशियर। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझ सा मिला नहीं। ये दम खड़ा रास्ता, ये देखो ना प्यारा नजारा, चीज बहुत अच्छी देखने को मिली कि हम लोगों की हालत ये हो गई है चलते चलते कि चल नहीं पा रहे, बट ये अंकल शॉर्टकट लेके तुम नीचे से आ रहे हैं, वो भी ऑन द ट्रैक नहीं आ रहे हैं, शॉर्टकट के ज़रिए आ रहे हैं। अंकल इनका एक अलग ही लेवल है, अंकल का आई डोंट नो अंकल इतना स्टेमिना कहाँ से लाए हैं। देखो भाइयों क्या हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा अब तो। ये जितने ऊपर आते चले जा रहे हैं फील करिए आप, उतनी धुंध छाती जा रही है, बादल नीचे से ऊपर आ रहा है। और आम तौर पर बादल ऊपर से नीचे आते हैं। 8 बजे हम लोगों ने ट्रैकिंग शुरू की थी, अभी कितने बज रहे फोन, 8 बजे हम लोगों ने ट्रैकिंग को शुरुआत किया था, 11 बजने 5 मिनट और 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। अभी भी यहाँ से 700-800 मीटर बचा हुआ है तुंगनाथ मंदिर, और अभी कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा। अब तो ऐसा लग रहा है ये रास्ता सीधा स्वर्ग जा रहा है। बादलों के बीच यार 500 मीटर और बचा है, लेकिन सब कुछ सारा व्यू ढक चुका है बादलों में, तो कुछ भी नहीं दिख रहा। नरेंद्र चलो बर्फ पड़ने माउंटेन सबसे ऊंची चोटी इतनी में लिए होंगे ना। घंटे ट्रैकिंग करने के बाद अभी भी 400-500 मीटर होगा, लेकिन बाबा का मंदिर दिख गया है। धुंध की वजह से कुछ नहीं दिख रहा, ये रहा बाबा का मंदिर, बस मंजिल कुछ ही दूर।
लेकिन आना जरूर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।